हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दूसरा कार्यकाल चल रहा है। पहले ही कार्यकाल में सीएम योगी ने खुले निर्देश दिए थे कि सभी विधायक, नेता और अधिकारी ट्रांसफर पोस्टिंग ठेका पट्टे से दूरी बनाए रखें। लेकिन मुख्यमंत्री योगी के निर्देशों का पालन शायद करना अधिकारियों को मुनासिब नहीं लगा। सबसे पहले स्वास्थ्य महकमे धांधली की बात को लेकर उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने सवाल उठाए, तो उसके बाद ही ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल कई विभागों में सामने आने लगे। एक के बाद एक विभागों में धांधली सामने आने लगी, तो ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या सीएम योगी का खौफ अधिकारियों में नहीं रह गया है? क्या सीएम योगी के सख्त रवैये और सुशासन की बातों को पलीता लगाने के लिए उनके अपने ही नेता और अधिकारी लगे हुए हैं? और जब ओएसडी पर कार्रवाई हुई तो आखिर मंत्री पर क्यों नहीं हुई? क्या बगैर मंत्री के जानकारी के ऐसा खेल हो सकता है? और आज इस विभाग में जो तबादले को लेकर शिकायतें और जानकारियां आई है उसको लेकर बड़ा भुजाल आ चुका है। दो दो नेता लखनऊ छोड़कर दिल्ली और अपने आवास पर जाकर के बैठे हैं, और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार की पार्टी नहीं है, एक पार्टी ही पूरे परिवार की भांति कार्य करती है। इसलिए अगर किसी प्रकार का कहीं कोई मतभेद है तो पार्टी फोरम पर बैठ करके उसको सुलझा लिया जाता है। अव्वल दर्जे की बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार में कहीं किसी प्रकार का, सरकार हो या संगठन हो, कोई मतभेद नहीं है। और फिर भी अगर पार्टी के भीतर अगर कहीं किसी का कोई मन खराब होता है, किसी बात को लेकर के आपत्ति होती है, तो पार्टी के भीतर सुलझा लिया जाता है। ये कोई परिवार राजनीतिक दल नहीं है जिसमें परिवार की डिक्टेटरशिप चलती हो और परिवार का निर्णय ही जो खाने की टेबल पर ले लिया जाता हो, जैसे सपा में लिया जाता है, जैसा कांग्रेस में लिया जाता है, और वही निर्णय सब पर बाध्यकारी होता है। भारतीय जनता पार्टी इंटरनल डेमोक्रेसी के साथ चलने वाली पार्टी है और इसीलिए पार्टी विद डिफरेंस कही जाती है। तो आपने सुना कि क्या कुछ इन्होंने कहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात किया जाए दिनेश खट्टिक की, तो दिनेश खट्टिक ने अपना इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देते उन्होंने लिखा कि मेरे साथ हो रहे अन्याय को लेकर अधिकारियों को अवगत कराता हूं कि अधिकारियों उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, जिससे मेरी ही नहीं बल्कि पूरे दलित समाज का अपमान हो रहा है। दलित पूरे समाज की बात इन्होंने कह दी है। मुझे मेरे ही विभाग के अधिकारियों द्वारा तवज्जो नहीं दिए जाने के कारण, दलितों को उचित मान सम्मान न मिलने के कारण, और माननीय प्रधानमंत्री जी के योजना नमामि गंगे और हर घर जल योजना के नियमों की अनदेखी हो रही है। यह प्रधानमंत्री के दो अहम योजनाएं थे, इसको लेकर भी उन्होंने आरोप लगाया है दिनेश खट्टिक ने। संज्ञान में आने पर जब मैंने विभागाध्यक्ष से इसकी सूचना मांगी तो अभी तक उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब विभाग में दलित समाज की राज्य मंत्री का विभाग में कोई अस्तित्व नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में राज्य मंत्री के रूप में मेरा कार्य करना दलित समाज के लिए बेकार है। इन्हीं सब बातों से आहत होकर मैं अपने पद से त्याग दे रहा हूं। वहीं इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अशोक कुमार जुड़ चुके हैं, वहीं समाजवादी पार्टी से नितेंद्र सिंह यादव जुड़ चुके हैं। नितेंद्र, अखिलेश यादव ने भी इस मसले पर ट्वीट करके कहा है कि जहां पर मंत्री की कोई इज्जत नहीं है और जिस समाज से वो आते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ऐसे में पार्टी छोड़ देना उचित रहता है, और बुलडोजर कभी कभी उल्टा भी चलता है। पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है आपका? मामला से जुड़ा हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सत्ता में होने के कारण अभी तक इनके घोटाले खुल नहीं हुए। अब इनके विभाग और परस्पर का एक खेल शुरू हुआ है, और आपस इस तरीके की चीजें सब एक दूसरे के मान सम्मान से जुड़ी है, एक दूसरे से खुद ही ये लोग खेल रहे हैं, और आप इसके जीते जाते उदाहरण आपके सामने आने लगेंगे। और जब पूरी की पूरी सरकार महंगाई की मार, लगातार आम जनमानस पर महंगाई की मार मारी जा रही है, और जब इन्हें कोई बड़ा घोटाला करना होता है इन तरीके की छोटे मोटे महंगाई बेरोजगारी इस तरीके से कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं, आम जनमानस का दिमाग उधर घूम जाए, और ये बड़े घोटाले चल रहे हैं। और ये तरीके से आज आप लगातार देख रहे हैं, चाहे केंद्र की सरकार है, जो राज्य की सरकार, ये घोटालों की
पराकाष्ठा पार चल रही है देश पर, लेकिन आप देख रहे हैं मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहा है। अभी देख रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में कि उप मुख्यमंत्री को पता भी नहीं है और लगातार उनके सचिव और मुख्य सचिव स्तर के लोग सारे के सारे तबादला उद्योग कर रहा है मनमानी तरीके से दूरी करके आपने मनमानी पोस्टिंग कर दी। रिजल्ट क्या आ रहा है? रिजल्ट ये आ रहा है कि आज सरकार और अधिकारियों के बीच सामंजस्य नहीं रहा है। पूरे तरीके से योगी जी का नियंत्रण अपने अधिकारियों और अपने मंत्रियों से उठता जा रहा है और आज ये सरकार निरंकुश होकर के पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। बिल्कुल बिल्कुल नितिन, हम आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़ चुके हैं अशोक कुमार। अशोक कुमार, जिस तरह से दिनेश खट्टिक ने अपना त्यागपत्र देते हुए इल्जाम लगाया है कि उनके ही विभाग में उनकी कोई वैल्यू नहीं है, अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते, साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है नमामि गंगे, उसको लेकर भी जब लापरवाही की गई, उन्होंने जवाब मांगा तो अभी तक अधिकारियों के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने कहा जहां पर मेरा और दलित समाज की कोई इज्जत नहीं वहां पर रहने का कोई फायदा नहीं। क्या कहेंगे आप इस पर और क्या कुछ सफाई अब पेश करेगा भारतीय जनता पार्टी इस पर? पहली बात तो ये कि आपको दो करेक्शन करने हैं। पहले मेरा नाम कुमार अशोक पांडे है जी। दूसरा विषय जी, माफ कीजिएगा, दिनेश खट्टिक जी का कोई इस्तीफा नहीं हुआ है, उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं किया है, ये सरासर गलत। अगर आपको पता नहीं हो तो मैं आपको बता दूं, हमारी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि उन्होंने पत्र जारी कर दिया है। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि मैं इससे आहत होकर त्याग पत्र दे रहा हूँ। उन्होंने किसको पत्र लिखा है जी? ऑफिशियल नोटिस उनकी जारी हुई है, उनकी ऑफिशियल नोटिस जारी हुई है। देखिए, नो नॉट एट ऑल, अभी तक नहीं, अभी वो संपर्क में है, सीधा वहां से अभी अपने आवास से निकले हैं और निकल करके वो लखनऊ पहुंच रहे हैं। वो दिल्ली जाने वाले थे लेकिन लखनऊ आ रहे हैं। इसलिए पहली बात तो ये बात पूरी तरह दुरुस्त कर लीजिए, उनका कोई इस्तीफा नहीं हुआ है। और राज्य मंत्री है, राज्य मंत्री के जो अपने उत्तरदायित्व है, कार्य है, उनका वो निर्वहन आज भी भली भांति कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, जब पीडब्ल्यूडी मामले में ओएसडी पर कार्रवाई हुई तो मंत्री जी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ओएसडी बिना मंत्री के जी बताए, ये अभी ये प्रारंभिक जांच का विषय है। अभी प्रारंभिक जांच में जो देखिए 2017 में माननीय मुख्यमंत्री बिना मंत्री के जानकारी के ऐसा खेल हो रहा है विभागों में। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 2017 में सत्ता संभालते समय दो बातें स्पष्ट कर दी थी, अपराधी अपराध और भ्रष्टाचार के विरुद्ध वो जीरो टॉलरेंस रखेंगे और वह उसी पर दृढ़ है। वही उनकी जो सरकार की ईमानदारी और सत्यनिष्ठा है उसी पर आज हमारी सरकार को दोबारा मौका मिला, जनता ने उनको चुन करके दोबारा अवसर दिया है। उसी पर कायम रहते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संज्ञान में जो व्यवस्था आई, उन्होंने तत्काल प्रभाव से एक्शन लेते हुए तीन लोगों को निलंबित कर दिया, उसमें एक उनके निजी सहायक सचिव भी है। अभी जांच चल रही है, जांच में मंत्री जी तक कोई बात नहीं है। अगर बात मंत्री जी तक आएगी तो सरकार निर्णय लेगी। अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जो लोग उसमें धांधली में पाए गए, भ्रष्टाचार भी नहीं हुआ है, इसमें भ्रष्टाचार शब्द अलग है, एक मिसमैनेजमेंट हुआ है। अच्छा, तो जो मिसमैनेजमेंट हुआ है उसके लिए जो अधिकारी, मेरी बात समझिए, जो एक झांसी के इंजीनियर थे, कार्यकर्ता थे, उनकी मृत्यु हो चुकी, उनकी पोस्टिंग झांसी कर दी गई, ये इसमें आपको कहीं से गलती नहीं नजर आ रही है? मैंने कहा तो लिपिकीय त्रुटि है, ये लिपिकीय त्रुटि है और लिपिकीय त्रुटि के लिए किसी को फांसी नहीं दी जाती, ये मानवीय भूल है और मानवीय भूल में लिपिकीय त्रुटि के लिए ही उस पूरे को उन्होंने कंडम किया है। और ऐसी तो तमाम पोस्टिंग की गई है जो बहुत सीनियर है, 2-3 साल में रिटायर्ड है, उनके उनको दूर के जिलों में भेज दिया गया है। कैसी बात कर रहे हैं आपको लगता है कि छोटी सी गलती है? बड़ा बिल्कुल, मैंने आपसे कहा कि ये लिपिकीय त्रुटि है और इसमें मिसमैनेजमेंट है। ये भ्रष्टाचार का शब्द जो आपने प्रयोग किया, मैंने उस पर आपत्ति किया कि भ्रष्टाचार एक अलग विषय होता है, ये त्रुटि का विषय है और किसी की नजरअंदाज करने का विषय है कि लोगों ने संज्ञान गंभीरता से नहीं लिया, उस अगंभीर होने का उनको सजा दी गई है। अभी जांच चल रही है, जांच होने पर जो स्पष्ट होगा वो आप सबके सामने आएगा, एक्शन निश्चित होगा। भ्रष्टाचार करने वाले को कोई स्थान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसी को भी नहीं है और अपराध और अपराधी को भी कोई वही दंड है, तो चाहे वो तो कोई भी हो, कितना ही रसूख वाला हो। जितिन प्रसाद और दिनेश खट्टिक, किस तरह से इनको मनाने का कार्य किया जाएगा? दोनों लोग नाराज चल रहे इस वक्त, कैसी बात कर रहे हैं आप, कैसी बात कर रहे हैं? नाराज नहीं है, कोई नाराज नहीं है। उनकी जो अपने चहेते अधिकारी हैं, जिन पर गाज गिरी है, उनको दिल्ली से उन्होंने पहले बुलवाया था, आपको तो पता ही होगा सर, जब वो दूसरी सरकार में थे,
बताइए अच्छा, उनको कैसे मनाया जाएगा। मैं आप बहुत सीनियर एंकर हैं, मैं आपसे अभी पूछ रहा हूँ गंभीरता पूर्वक कि इसके पूर्व में भी जब भी कोई मंत्री आए जवाब देने के बजाय आपके सवालों का जवाब दूंगी, आप जवाब ये किस तरह से मनाएगी मनाया जाएगा इन दोनों बड़े नेताओं को। आप मेरे प्रश्न अगर सुनेंगी तो आपके मेरे प्रश्न में ही आपका उत्तर है जी, आप स्वयं मेरा उत्तर दे रही हैं, मैं वही बता रहा हूँ आपको जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ बहुत सीनियर हैं, गंभीरता पूर्वक ये जानिए कि इसके पहले जो तो सरकारें होती थी उनमें मंत्री भाई भतीजावाद ही ओएसडी बनते थे, लोग अपने बहुत खास वाले को अपना ओएसडी बना लेते थे। लेकिन हमारे यहाँ से पत्रक जारी किया गया सरकार बनने के बाद, केंद्र सरकार में भी और राज्य सरकारों में भी, कि कोई भी ब्लड रिलेशन का कोई भी जानकार कोई भी आपका चहेता ओएसडी नहीं बनेगा, ओएसडी सरकार देगी। तो जब सरकार ने ओएसडी दिया है तो ये कहना कि ये उनका बहुत खास था ये गलत है। कोई किसी का खास नहीं, जो भी अधिकारी काम करेगा वो हमारा खास हो जाएगा जी। आपने कह ली अपनी बात, आप देखिए मैं यहाँ पर किसी सरकार के तारीफ में कसीदे पढ़ने के लिए नहीं बैठी हूँ या किसी की सरकार ने क्या किया वो गलतियां गिनाने का वक्त नहीं है। फिलहाल जो ताजा मामला ये चल रहा है वो ये चल रहा है कि अभी बातें सामने आई है, दिनेश खट्टीक नाराज चल रहे हैं, जितिन प्रसाद दिल्ली न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित अपने आवास पर पहुंचे हुए थे, उनकी जो अध्यक्ष उनसे भी मुलाकात करने की खबरें सामने आ रही थी, हम उसी भी हाथ पे आपको बता रहे हैं। और अगर रही बात कि कौन किसका सगा था क्या था, तो कोई भी सरकार इससे बची हुई नहीं है कुमार अशोक जी। और बिना मंत्री के जानकारी के, बिना मंत्री के जानकारी के कोई अधिकारी ये नहीं कर लेता। फिलहाल हमारे साथ समाजवादी पार्टी से नितेन सिंह जुड़े। नितेन सिंह जी, आपने तमाम बातें सुनी, क्या कहना आपका इस पर? पूरी तरीके से भ्रष्टाचार है, जिस तरीके से आपने व्यापक घोटाला देखा था भाई, इनका ओएसडी था।
जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के झूठे लोग, ये पाखंडी लोग जिस तरीके से लोगों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और फिर वास्तव में ये भ्रष्टाचार में जुड़े हैं, ये बंगला बदगा करते देश और पूरे प्रदेश में जिस तरीके मैं आने बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये प्रदेश ही नहीं बल्कि केंद्र की पूरी सरकार और प्रधानमंत्री जी भी भ्रष्टाचारी हो गए हैं। ये पीएम के नाम से जो संस्था बनाए ये संस्था क्या, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे इनका मामला आज रात से चाहे सरकारी संस्था है, प्रधानमंत्री उसके चेयरमैन है, गृह मंत्री उसके मेंबर है, शिक्षा मंत्री उसके मेंबर है, वित्त मंत्री उसके मेंबर है और अकाउंट की लाख को सरकारी स्कीम का उत्साह उपयोग करते हैं। अपने कार्यालय का पता आप गाँव प्रधानमंत्री कार्यालय में देते हैं और वो सरकारी संस्था नहीं है, वो एक निजी एनजीओ है और प्रधानमंत्री से मंत्री करके हजारों करोड़ रुपए उसमें जो घोटाला है उसका घोटाला हुआ है क्या, उसका जवाब देने को पैसा किस मत में खर्च हुआ है। कोरोना जैसी महामारी में जो नारा दिया था आपका को अवसर बने, आपका महिलाओं किस तरीके से अवसर बना करके भ्रष्टाचार किया है, घोटाले किए और आम जनता से गरीब लोगों से जो धन उगाही की अपील की थी और लोगों ने अपनी तनख्वाहें दान में दे दी कि कोरोना में उपयोग होगा, क्या एक पैसा उस पीएम केयर्स का कोरोना उपयोग हुआ? जब प्रधानमंत्री राजकोष नाम से सरकारी संस्था थी तो आप तो सरकारी संस्था में दान क्यों नहीं लिया? प्राइम मिनिस्टर पीएम केयर्स के नाम से आपने प्रधानमंत्री और पीएम एनजीओ क्यों बनाया? ये गैर कानूनी है कि नहीं है? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी दे, इससे बड़ा घोटाला क्या हो सकता है? जी बिल्कुल कुमार अशोक, आप जवाब दें इनकी बातों का, जो भी इल्जाम लगाया जा रहा है इनका जो कहना है बताएं, क्या कहेंगे आप इस पर? इनकी एक भी बात मुझे सुनाई नहीं पड़ी है, मैं तो समझ ही नहीं पाया वो क्या बोल रहे हैं, कुछ स्पष्ट ही नहीं हुआ है तो मैं क्या जवाब दूंगा। नितेंद्र यादव क्या बोल रहे हैं जी, इनका ये कहना है कि अगर इल्जाम लग रहा है, आप इल्जाम लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी पर कि भाई भतीजावाद था, जो उनके भाई भतीजे थे उनको अपना ओएसडी बना लिया जाता था, विभागों का अपना पीआरओ बना लिया जाता था, वो चाहते हैं आप ऐसी बात बताएं। आप ऐसी बात कर रही है जहां का राष्ट्रीय अध्यक्ष पिता, पुत्र उसका अध्यक्ष, उसका मुख्यमंत्री, पत्नी उसकी सांसद, उसका एक भाई जो है वो महासचिव, एक भाई सचिव, कैसी आप हमसे क्यों पूछ रही हैं? ये मेरा सवाल नहीं है जनता को बताया, ये मेरा सवाल नहीं है। शिवपाल सिंह यादव का बेटा उनका काम देख रहा है, ये मेरा सवाल नहीं है, उनका काम देख रहा है, उनके सारे लोग ओएसडी हैं। मैं समाजवादी पार्टी की बात है, मैं समाजवादी पार्टी की बात हो, बहुजन समाज पार्टी की बात हो, कांग्रेस की बात हो, इन सब लोगों की यही व्यवस्था रही है और मैंने वही उसमें उठाया है कि जिसका पूरा दिख रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के नीचे तक भाई भतीजावाद है, परिवारवाद है, आप उस पर मुझसे सवाल पूछ रहे कि मैं किसका नाम लेने का जहाँ समाजवादी पार्टी के जहाँ पूरी सवाल है। अरे भाई दाल में अगर, अरे उनका सवाल ही गलत है, मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष, मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने बैठा हूँ, समाजवादी पार्टी क्या करती है वो अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोगों का जवाब देना मेरा कर्तव्य नहीं है, ना मैं करूंगा, जनता ने उनको जवाब दे दिया है, अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है तो और समझ ले, और समझ जाएंगे वो, चलिए हटाइए, ये नहीं कहना है मेरा, सिर्फ इतना ही कहना है कि जो अखंड डूबे हुए हैं, जनता पूरा ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं लोग कि जहाँ पूरा परिवारवाद वंशवाद बैठा हुआ है वहां वो मुझसे क्या पूछेंगे, सांसद से लेके परिवार के ही लोग चुने जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, एक मिनट, अब आपने कहा तो पूरा करें, सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि एक क्षेत्र के लोगों को ही नौकरी दी जाती रही है 8 वर्षों तक, तो वो क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है एक जाति के लोगों का ही तुष्टिकरण हो रहा है, तो जहां ऐसी व्यवस्था है वहां मुझको क्यों, मुझे क्या कहना, अगर दाल में कुछ काला होता तो मैं बोलता, जहां पूरी दाल काली है वहां बोलने की क्या आवश्यकता है? चलिए ठीक है, हाथ कंधे को आरसी क्या? एक कुमार अशोक जी, एक के बाद एक विभागों में घोटाले, जो धांधली का मामला सामने आया है, पहले आरोप खुद डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने लगाया था, आपको इसकी जानकारी होगी, आप अवगत होंगे इस पूरे मामले से, उसके बाद मेरी बात सुनिए, उसके बाद पीडब्ल्यूडी में जिस तरह की चीजें सामने आ रही है जिसको लेकर तमाम तरह के बवाल भी खड़े हो रहे, फिर जल शक्ति विभाग में भी इस तरह की बातें सामने आई है जिसको लेकर जो मंत्री है दिनेश खट्टिक वो काफी नाराज है। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठ के आता है, क्या सीएम योगी का खौफ नहीं रह गया अधिकारियों में, जबकि सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए थे, क्या खौफ नहीं रह गया अधिकारियों में? अब मुझे बोलने दीजिए, मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, मैं अपनी बात को स्पष्ट कर रहा हूँ। आप पूरे तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो बृजेश पाठक जी की बात करी, इस मामले को पत्र लिख करके बृजेश पाठक जी ने उठाया था जी। उसके बाद जो अभी आपने कहा कि
जितिन प्रसाद जी के विभाग का बात पीडब्ल्यूडी की, सार्वजनिक निर्माण विभाग के मामले को भी स्वयं मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेके उठाया है, तो क्या किसी दूसरे ने उनके आगे कुछ खोला है? तो जहां पे धांधली स्वयं मुख्यमंत्री पकड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री उस पर निर्णय ले रहे हैं, मुख्यमंत्री ने चार लोगों को निलंबित किया है, अब मुख्यमंत्री के एक्शन को इससे बड़ा आप क्या मानेंगी कि अब तक 1800 लोगों की बर्खास्तगी हुई है, जहां पिछले 40 वर्षों की अगर आप सरकारों को देखें, जहां निलंबन करना एक बात मानी जाती थी और निलंबन की भी संस्कृति इतनी नहीं हुई है, जहां इतनी लंबी बर्खास्तगी हुई है, लोगों को जबरन सेवानिवृत्ति भेजा गया है, ऐसे 7,000-8,000 लोग हैं, तो जो सरकार है वह पूरे तौर पर कठोरता से निर्णय ले रही है, एक्शन में है, ईमानदार छवि है और दृढ़ निश्चय है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। इसमें कोई जितिन प्रसाद जी का रोल नहीं, जितिन प्रसाद जी अभी जांच चल रही है, जांच में स्पष्ट होगा कि कौन कौन उसमें लिप्त है, और जो जो भी लिप्त होंगे यकीन मानिए ये जनता के प्रति न्याय और उत्तरदायित्व है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, कि वो जवाबदेह है जनता के प्रति कि वो निश्चित तौर पर उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई होगी और अगर उनको जेल आवश्यकता पड़ी तो जेल भी भेजने से गुरेज नहीं करेंगे वो। इसलिए हमें किसी और ने उजागर नहीं किया, स्वयं सरकार ने संज्ञान लिया, सरकार ने पकड़ा, सरकार ने उनको निलंबित किया, सरकार ने कार्रवाई की है। इसलिए इसको घोटाला भ्रष्टाचार ऐसे शब्दों का प्रयोग करना अनुचित है। मैं कह रहा हूं त्रुटि है, उसी त्रुटि को लिया गया है। हर स्थानांतरण की एक नीति होती है और उसी नीति के आधार पर सरकारें अपना कार्य करती है, मंत्री अपना कार्य करते हैं, उसमें उस नीति का अनुपालन नहीं हुआ है, लिप की त्रुटि है, इसीलिए उनको निलंबित किया गया है कि उन्होंने संज्ञान नहीं लिया, गंभीरता से इस कार्य को नहीं किया है। अब आपने कहा सोनकर जी की बात, जो खटिक साहब की बात की, माननीय मंत्री खटिक जी की, उनका कोई इस्तीफा नहीं, उन्होंने अमित शाह जी को पत्र लिखा है, मिलने का समय मांगा है, लेकिन उनको दिल्ली बुला लिया गया है, लखनऊ बुला लिया गया है, नाराज नहीं है, कोई नाराज नहीं चाहते हैं, नाराज होने का किसी को कहीं कोई मतलब ही नहीं उठता। इसके लिए हमारे पास संगठन है, हमारे पास संघ है, लोग वहां अपनी बात रखते हैं, उसका बार हर मासिक बैठक होती है, समन्वयक बैठक संघ और संगठन की। बयान दिया ना अशोक कुमार जी, देखिए उन्होंने मीडिया के सामने बयान दिया, वो उन्होंने क्या बयान दिया, उनका निजी बयान था, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कहा वो सुन लीजिए, उन्होंने संगठन से कहा, उन्होंने संगठन से कहा, उन्होंने आप बस उन्होंने ये बताइए, संगठन से बगैर मंत्री की जानकारी के क्या खेल हो रहा था, आप ये कहना चाहते हैं? उन्होंने संगठन से समय मांगा, संगठन से मिलने आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में, अभी कार्यालय से मैं भी आया हूँ आवास से भोजन के लिए, अभी थोड़ी देर में वो कार्यालय पहुंच रहे हैं, उनकी वहां संगठन महामंत्री से भेंट होगी, अपनी बात रखेंगे, ये सारी व्यवस्था संगठन की समन्वयक बैठक हमारे यहाँ प्रत्येक माह होती रहती है। राष्ट्रपति चुनाव के चक्कर में हमारा थोड़ा विलम्ब हुआ, जो इस माह की बैठक नहीं, अगले माह वो बैठक फिर होने जा रही है, 4 अगस्त को बैठक है जिसमें निर्णय होगा, समन्वय कमेटी होती है, संगठन होता है, सरकार होती है, आपस में एक दूसरे की बात होती है, वहां चर्चा होती है, बिल्कुल सामान्य बात है। बिल्कुल, चलिए जो धांधली सामने आई है, जो आपने कहा कि खुद सरकार के द्वारा संज्ञान में लाया गया, उस पर प्रकाश डाला गया, तो क्या उस पर आपका ये कहना है कि बगैर मंत्री के जानकारी के ऐसा खेल हुआ, मंत्री को इसकी कोई जानकारी नहीं थी? मैंने कहा कि अभी जांच चल रही है, उसके कुछ भी मुझे बोलना, ये आरंभिक बोलना अच्छी बात नहीं है, मैं उसको पूरा नहीं बोल सकता, लेकिन जांच पूर्ण होने के बाद वो होगा। आज जो गए हुए, आपने कहा जितिन प्रसाद जी नाराज होके जाने का मतलब ही नहीं है, वो अपनी इच्छा से यहाँ आए थे, कोई उनको मनाने नहीं गया था, कोई उनको बुलाने नहीं गया था, वो स्वयं यहाँ आए, इच्छा उन्होंने जाहिर की, यहाँ आए, अच्छे नेता थे, उनको लिया गया, उनकी इसलिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, अभी नई व्यवस्था में वो काफी अच्छे नेता थे, इसीलिए तो उनको लाया गया, मंत्री भी बनाया गया, काफी पॉलिटिकल अच्छा बैकग्राउंड भी रहा है उनका, क्यों अशोक कुमार जी, उनके पिता का भी काफी अच्छा राजनीतिक करियर रहा है, इसीलिए तो बिल्कुल है ना, बिल्कुल करियर तो रहा ही है, वो अध्यक्ष रहे हैं यहाँ पे, इसके पहले भी कई चुनाव लड़े हैं, तो अच्छे नेता है। अब अभी तो ये आरंभिक स्थिति है, जब जांच हो जाएगी, तो मैंने आपको एक बात कहा, मेरा वर्जन खाली इतना है, आप उसको ले सकती हैं, मेरे वर्जन को नोट कर लीजिए कि चाहे वो कितना रसूखदार व्यक्ति हो जी, अगर वो उसके विरुद्ध कोई भी दंड पाया जाएगा, कोई भी धांधली पाई जाएगी, तो बख्शा नहीं जाएगा, उसके विरुद्ध भी दंडात्मक कार्रवाई होगी, वो उससे बच नहीं सकता चाहे वो कोई हो। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो भी भ्रष्टाचारी हैं, जो भी भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाते हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नितेन सिंह, आपने पूरी बात सुनी, जिस तरह से ये कहना है कि कोई भी मंत्री अभी नाराज नहीं है, और हमारी एक मीटिंग होती है, ऑफिशियल मीटिंग, जिसके लिए वो आ रहे हैं, राष्ट्रपति चुनाव के चलते हमारा ये बैठक डिले हुआ, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जिस तरीके से आरोप लगाया था,
और उसका मैंने इनसे जवाब मांगा था कि क्या इन्होंने परिवारवाद और भाई भतीजावाद की बात की थी। मेरा पहले तो ये इस पर इन्होंने कहा मैं जवाब नहीं दूंगा। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने इनको चैलेंज करके कहा था कि पूरी पिछली सरकार के कोई 3 मंत्रियों के नाम ले लो और उनमें से उनके भाई या उनके भतीजे का नाम ले लो, तो ये जवाब नहीं दे पाए। मैंने प्रश्न पूछा है कि प्रधानमंत्री रहते हुए पीएम केयर के नाम से जो घोटाला किया है, एक फ्रॉड किया पीएम केयर नाम से, एक एनजीओ बनाया है, कोई भी एनजीओ सरकारी अशोक चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, उसका प्रधानमंत्री कार्यालय एड्रेस नहीं हो सकता है, प्रधानमंत्री उसके चेयरमैन है, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री जैसे महत्वपूर्ण लोग उसके सदस्य हैं, और आपदा को अवसर बना करके आपने पूरे देश से लोगों की तनख्वाहें ली हैं, विधायकों सांसदों की निधि का पैसा लिया है, और मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ क्या वो सरकारी संस्था है? यदि नहीं है तो क्यों आपने एज ए प्रधानमंत्री होते हुए लोगों से अपील की है? मेरा सिर्फ ये कहना है क्या इसका जवाब देंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि वो सरकारी संस्था है या नहीं है? यदि नहीं है, ऑलरेडी पहले से प्रधानमंत्री राहत कोष था तो आपने लोगों की मदद के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसा क्यों नहीं मांगा? और ये संस्था सरकारी नहीं थी, ये पैसा आया तो इसका उपयोग किस मद में किया है? कोरोना में इसका उपयोग नहीं हुआ है, हजारों करोड़ रुपए जो इसमें आया है इसका उपयोग किस मद में हुआ है? इसका जवाब इनको देना पड़ेगा, ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है। मैं मंच से आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और देश के सर्वोच्च पद पर बैठे माननीय प्रधानमंत्री ने घोटाला किया है, और ये तो बहुत छोटी बात है, और ये दूसरों को आरोप लगाते हैं भाई भतीजेवाद की, भ्रष्टाचार की। मैं पूछना चाहता हूँ ना कि आज 3 मंत्रियों के आप नाम बता दो जिनके वो एसी होते थे, भाई और भतीजे, और ये सरकार में जिस तरीके से मंत्री खुद खुलासे कर रहे हैं, इस्तीफे देने की बातें चल रही हैं, जांच की बात हो रही है, अपना दर्द बयां कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मेरा कोई मंत्री नाराज नहीं। अरे मंत्री, आपके एक मंत्री नाराज है तो दूसरा उसका वो एसी से लेकर के पूरे विभाग के बाबू से लेकर सचिव तक जिस तरीके से तबादले हो गए बिना पैसे के हुए, इतना बड़ा भारी घोटाला है, इसकी बड़ी जांच होनी चाहिए और इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ किसी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस से जांच होनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जांच का विषय तो है ही, ये भारतीय जनता पार्टी जांच चल रही है, चिराजी जांच चल रही है और एक कमेटी गठित की गई है, बाकायदा 4 सदस्यीय कमेटी जांच कर रही है, वो तो पहले जांच चल रही है, जांच में ही पकड़ा गया है मामला, ये कोई नई बात इन्होंने नहीं कही है। माफी मांगे कि मैंने जो आरोप लगाया परिवारवाद का, भाई भतीजेवाद का, वो झूठा है या ये साबित करे इस बात को? देखिए कुमार अशोक जी, जो नितिन सिंह यादव का कहना है वो ये कहना है कि जो पीएम केयर फंड है, पीएम केयर फंड के नाम से घोटाले किए गए हैं, देखिए ये उनका कहना है, पहले आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये उनकी तुच्छ मानसिकता है और तुच्छ मानसिकता के किए हुए प्रश्नों का कोई मतलब नहीं है, वो तुच्छ मानसिकता का प्रतीक है। संसद चल रही है, संसद से बहिष्कार मत कीजिए, 5 सांसद है वहाँ जाके सवाल उठा लीजिएगा। प्रधानमंत्री रिलीफ फंड आज की बात नहीं है, आज का प्रधानमंत्री फाउंडेशन चला के सोनिया गांधी फाउंडेशन चलाती थी, जो मुलायम सिंह बैग रख के घूमते थे उसके जवाब दीजिएगा। जनता ने आपको बाहर का रास्ता दिखाया इसी बात पर, इसलिए आप अपनी तुच्छ मानसिकता का परिचय मत दीजिए और तुच्छ प्रश्नों का उत्तर भी देना मुनासिब नहीं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जैसे व्यक्तित्व पर आपके सवाल उठा रहे हैं। आप उस तरह का प्रश्न उठा रहे हैं, आपकी तुच्छ मानसिकता धोता हो रही है, ये तुच्छ मानसिकता का परिचायक है कि आपकी सोच कितनी तुच्छ है और कितनी तुच्छ तरह की आपने प्रयोग किया है। ऐसे तो शब्दों के लिए आपको क्षमा मांगनी चाहिए, शर्मानी चाहिए आपको। देखिए इस तरह से अगर पक्ष सवाल उठाएगा और विपक्ष जवाब देगा तो शायद कभी कोई बात क्लियर ही नहीं हो पाएगी। यह उनकी तुच्छ मानसिकता का द्योतक है और तुच्छ मानसिकता के द्योतक के लिए इनको पार्लियामेंट में जाना, इनके पास सांसद है, उठाते क्यों नहीं सवाल को? पार्लियामेंट से क्यों भागते हैं आप? बहस में क्यों नहीं बैठते? पार्लियामेंट चल रही है, उठाइए सवाल। ये कोई टीवी चैनल पे डिबेट किसी विषय पर आपकी पूछने का विषय? प्रधानमंत्री पे आरोप लगाएंगे आप? प्रधानमंत्री में प्रश्न करेंगे? उनको कोई पाखंडी ना कर सके? बहुत छोटी मानसिकता का परिचय दिया आपने। मैं नहीं उचित समझता हूँ कि इस डिबेट में ऐसे प्रश्नों को आपको उठाना चाहिए, ये बहुत तुच्छ मानसिकता का द्योतक है। पीएम केयर्स निजी संस्था है या सरकारी संस्था, इसका सिर्फ जवाब दीजिए हाँ और ना में।
देखिए कुमार कुमार मेरी बात सुनिए, छोटा सा सवाल है, क्या पीएम केयर निजी संस्था है या सरकारी संस्था है? एक छोटा सा सवाल है, आप इसका जवाब देने से क्यों बच रहे हैं? आपको जी स्पष्ट कहा कि तुच्छ व्यक्ति के तुच्छ मानसिकता के धोतक पे कोई प्रश्न का उत्तर देने का प्रश्न ही नहीं उठता। और ये डिबेट आपकी जिस विषय पे आयोजित है उस विषय पे अगर ये बात रखेंगे तो मैं बात रखूंगा। जहां आपके पास बात नहीं है इधर उधर की बात कर रहे हैं आप, प्रधानमंत्री आप चांद पे थूकने की बात कर रहे हैं, सूर्य को आप दिया दिखाने की बात कर रहे हैं, तो मैं ऐसे प्रश्न का उत्तर मैंने कहा पार्लियामेंट उठाइए, आपके पास गिने चुने कुछ तो सांसद होंगे, उठाना चाहिए आपको, उठाइए। क्यों भेजते हैं प्रधान वहां से आप किस ऐसे से पूछ सकते हैं सवाल? प्रधानमंत्री ये तुच्छ मानसिकता है आपका। आपने प्रधानमंत्री का जो शब्द प्रयोग किया कि भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री ने किया है, आपने बहुत गंदे शब्दों का प्रयोग किया है, इसलिए तुच्छ मानसिकता है और आपकी तुच्छ व्यक्तित्व है आपका। क्यों जवाब देंगे आपका? देखिए आप दोनों से मैं कहना चाहूंगी कि पक्ष में विपक्ष हमेशा एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। लेकिन आप एंकर अगर हैं तो आपको अपने प्रश्न पूछने हैं, आपको किसी प्रवक्ता के मेरी बात सुनिए, मेरी आप मेरी ड्यूटी मुझे नहीं सिखाई, कुमार अशोक आप मेरी जॉब मुझे नहीं सिखा सकते और मेरा ये फर्ज है कि मेरी बात सुनिए, जिस तरह से हम आपके काम कार्यों को आम जनता तक पहुंचाते हैं हम विपक्ष के सवालों को भी पक्ष तक पहुंचाएंगे, आप मुझे मेरा जॉब नहीं सिखाएंगे कुमार, आप मेरा मुझे जॉब नहीं सिखाएंगे। आप प्रधानमंत्री आप मुझे एग्रेसिव करने की कोशिश नहीं करें, आप मेरा जॉब मुझे नहीं सिखाएंगे, आप मुझे मेरा जॉब नहीं, आप जवाब देने से भाग रहे हैं बिना, मेरी बात सुनिए आपके मंत्री ने सीधा लिखा त्याग पत्र लिखा, आपने लेटर पैड में लिखा, आपने कहा कोई त्याग पत्र ही नहीं आया, क्यों नहीं आप जवाब देंगे, क्यों आप जवाब नहीं देंगे? पक्ष किसने बैठा है? पक्ष जनता का जवाब नहीं देगा? पक्ष विपक्ष का जवाब नहीं देगा? क्यों जवाब नहीं देगा पक्ष? क्यों सत्ता में है पक्ष? क्यों जनता ने चुन के पक्ष को भेजा जी? मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, आप बताइए, मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, आप मेरे सवाल का जवाब, क्या बगैर मंत्री के जानकारी की ये खेल हुआ है? आपके मंत्री नाराज होके चले गए, आप क्या कह रहे हैं? कोई मंत्री नाराज नहीं है। और इस तरह से दोबारा मेरी बात सुनिए, इस तरह से दोबारा मेरे से बात मत करिएगा, इस डिबेट को यहीं पे रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाषा का मर्यादा का ध्यान रखे, दोबारा से इस तरह से बात मत करिएगा किसी महिला से न्यूज चैनल पे बैठ के। मैं कहना चाहूंगी कि इस डिबेट की समाप्ति की जाए। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आपका पसंदीदा न्यूज़।